नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भारत में रेल होती है या ट्रेन होती है, उन ट्रेनों के पीछे का जो आखिरी डिब्बा होता है, उन डिब्बों पर सफ़ेद और पीले रंग में एक्स क्यों लिखा होता है, उस एक्स का मतलब क्या होता है, और वहीं पर नीचे एक प्लेट और लगी होती है जिस पर लिखा होता है LV, और पास ही में एक ब्लिंक करती हुई रेड लाइट दिखाई देती है, उसका मतलब क्या होता है। इन तीनों से संबंधित जो भी जानकारी है वो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी ट्रेन के आखिरी बोगी के पीछे एक्स का निशान बने जरूर देखा होगा। रेलवे के हर पैसेंजर ट्रेन के पीछे यह निशान बना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस निशान का मतलब क्या है, और क्यों इसे हर पैसेंजर ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे बनाया जाता है। ट्रेन के अंत में बने निशान सफ़ेद और पीले रंग के होते हैं। रेलवे के हर पैसेंजर ट्रेन के पीछे इसे बनाना अनिवार्य होता है। वहीं इसके साथ कई ट्रेन में LV भी लिखा होता है। वहीं ट्रेन के पीछे एक लाल रंग की ब्लिंक करने वाली लाइट भी लगी होती है। यह रेलवे का एक कोड है जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के पर्पस से ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर बनाया जाता है। इसके एक नहीं कई मीनिंग है। किसी ट्रेन पर यह निशान नहीं है तो इसका मतलब है कि ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, यह ट्रेन का कोई डिब्बा छूट गया है। यह रेलवे स्टाफ के लिए एक तरह से अलर्ट का काम करता है। ऐसा होने पर वे कुछ दुर्घटना होने के पहले कोई एक्शन ले सकते हैं। एक यात्री के तौर पर सुरक्षित रहने के मकसद से आप भी ट्रेन में सफ़र से पहले लास्ट बोगी पर यह निशान देखकर संतुष्ट हो सकते हैं। देखो, तो क्या होए LV का मतलब। तो अगर LV का मतलब को हम देखें तो X के साथ एक बोर्ड और भी लगा होता है जिस पर LV लिखा होता है। LV का फुल फॉर्म होता है लास्ट व्हीकल, जिसका मतलब है आखिरी डिब्बा। X के निशान के साथ LV रेल कर्मचारी को इस बारे में सूचना देता है कि वह रेल का आखिरी डिब्बा है। अगर किसी मामले में ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर इन दोनों में से कोई भी संकेत नहीं है तो इससे साफ पता चलता है कि यह एक आपातकालीन स्थिति है। ऐसे मामले में ट्रेन के आखिरी कुछ डिब्बे का बाकी ट्रेन से अलग हो जाते हैं, जिसे देखते ही रेलकर्मी अपने अपने काम में लग जाते हैं। देखो, सभी पैसेंजर ट्रेनों के पीछे एक्स का निशान होना अनिवार्य है। भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक देश के सभी पैसेंजर ट्रेनों के पीछे एक निशान होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपने कई ट्रेनें के ऊपर एक LV लिखा होगा, देखा होगा। यही नहीं, ट्रेन के पीछे लाल रंग की ब्लिंक करने वाली एक रेड लाइट भी लगी हुई होती है। और गौरतलब के है कि रेलवे का एक कोड है जो सुरक्षा उद्देश्य से ट्रेन के आखिरी डिब्बे के ऊपर बनाया जाता है। बता दें कि अगर किसी ट्रेन पर यह निशान नहीं होता तो यह माना जाता है कि ट्रेन में कुछ समस्या है, या फिर ट्रेन का कोई डिब्बा कहीं छूट गया है। दरअसल यह रेलवे कर्मचारियों के लिए एक अलर्ट के तौर पर भी काम करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि एक्स के निशान की ज़रूरत क्यों महसूस है, तो अगर देखो, इसमें एक उदाहरण के द्वारा आपको बताता हूँ। अगर स्टेशन ए से एक गाड़ी चली और ब्लॉक सेक्शन में उसकी कंपनी टूट गई, आधी अधूरी गाड़ी स्टेशन बी पर पहुँची, और स्टेशन बी ने यह समझ कर कि गाड़ी तो निकल गई, वह स्टेशन ए को दूसरी गाड़ी छोड़ने के लिए लाइन क्लियर देगा, वह गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में पिछली गाड़ी के छूटे हुए डिब्बों से टकरा जाएगी और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए इस एक्स की जो महसूस है उसको, मतलब अनिवार्य उसको किया गया है, तो उससे पता चल जाएगा कि ये गाड़ी कंप्लीट नहीं है या कंप्लीट ये निकल चुकी है। इस तरह से इन तीनों सिंबल का इसमें प्रयोग किया जाता है, और ये इस तरह से काम करता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।